आपका नाम? जी मेरा नाम दर्शन सिंह है। ये वार्ड नंबर 12, इसके आगे जो है ग्राम शुरू हो जाता है, इसके पीछे जो सिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो कस्सी आ रही है, इस टाइम पानी आ रहा है, ये वार्ड नंबर 12 के बीच में आ रहा है। तो ये लोगों ने कुछ ज़मीनें बना के खालसा सरकार में कब्जा करके, तो वो पानी का रुख जो बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने इसके पहले भी 3-4 एप्लीकेशन जो तहसीलदार के मार्क करा के पटवारी साहब को दी थी मैंने, तो उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं हुआ। आज ये ऐसा इतना पानी आ गया, इसके बाद हमारे घर पे खतरा हो गया, तो हमें खुद हथियार उठा के ये पानी काटने के नीचे आ गया। इस आज के बाद यहाँ तक कोई नहीं आया ही नहीं, किसी किस्म का नहीं आया। एप्लीकेशन लगी हुई है हमारी, ये जो कस्सी है यहाँ पे 70 फुट कस्सी है, यहाँ से पीछे सब लोगों ने ज़मीनें बना दी, वो पीछे से ज़मीनें बना के खालसा सरकार में वो अपने घर भी बना चुके हैं। तो प्रशासन का कोई भी किसी किस्म का एक्शन नहीं है। दीप शर्मा, देखिए जी, ये बनाई गई थी सड़क, पहले इसको म्यूनसिपल्टी ने बनाया था, पूरी कंक्रीट सड़क थी, लेकिन बाद में इसको निर्गम में रख के इन्होंने दोबारा इसको उखेड़ दिया और बनाया, और साथ में एक नाला था, इस नाले को इंक्रोचमेंट कर दी है इन्होंने, और उसका सारा पानी अभी यह सड़क चलने के काबिल ही नहीं रही, ना तो यह सड़क रही ना नाला रहा। इस पानी से इतना नुकसान हो गया, जो पूंछ माल्टी रोड है इसको भी नुकसान पहुँच रहा है। ये लगभग 500 मीटर आगे तक जो रोड है पूरी ख़त्म हो गई है इस पानी की वजह से, और ये इस तरफ हमने कई बार जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, इन्होंने तहसीलदार साहब को इस एप्लीकेशन भी दी कि इंक्रोचमेंट को देखा जाए, इस नाले को खोला जाए, लेकिन इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये पानी सड़क के ऊपर इस जो पूंछ माल्टी रोड है इसको भी नुकसान पहुँचा रहा है, बहुत आगे पूरी फसलों को नुकसान पहुँचा है, एक मकान के अंदर पानी चला गया है, ये नुकसान हो रहा है इस पानी की वजह से।